नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। पूर्व सीएम कल्याण सिंह अब हमारे बीच नहीं है। तमाम सियासी हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेताओं ने श्रद्धांजलि न देकर अब एक सियासी इस पर बखेड़ा ये खड़ा हुआ है कि इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी ने दोनों पार्टियों पर निशाना साधा है। सबसे बड़ा मुद्दा में आज इसी पर होगी चर्चा। कई मेहमान भी साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता कल्याण सिंह को अंतिम विदाई देने भारी जनसैलाब उमड़ा। पीएम मोदी से लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती तक तमाम नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे, मगर मुलायम परिवार ने दूरी बनाए रखी। नैतिकताहीन राजनीति को लेकर बीजेपी ने हमला बोला है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश पर ट्वीट वॉर किया। उन्होंने लिखा, अखिलेश अपने आवास से मात्र 1 किलोमीटर दूर माल एवेन्यू में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी बाबूजी को श्रद्धांजलि देने नहीं आ सके। कहीं मुस्लिम वोट बैंक के मुंह ने उन्हें पिछड़ों के सबसे बड़े नेता को श्रद्धांजलि देने से तो नहीं रोक लिया। समाजवादी पार्टी ही नहीं, कांग्रेस का भी कोई बड़ा नेता कल्याण सिंह के घर नहीं पहुंचा। बीजेपी का आरोप है कि वोट बैंक के चक्कर में एसपी और कांग्रेस ने श्रद्धांजलि देने से दूरी बनाई। बहुत ही निंदनीय, घृणित एक व्यवहार श्री अखिलेश यादव जी ने माननीय कल्याण सिंह को लेकर के किया है, और कांग्रेस ने भी, जब कांग्रेस की सोनिया हो, राहुल हो, प्रियंका हो, किसी ने उचित नहीं समझा। जी वो श्रद्धांजलि देने कल उनको लखनऊ में आते तो शायद उनकी पार्टी के द्वारा जो कार्यकर्ताओं की जो हत्या की गई थी उसके पाप उनके धुल सकते थे, लेकिन वो नहीं गए। यही इनकी तालिबानी मानसिकता को दर्शाता है। शिष्टाचार होता है, एक नैतिकता होती है, और उस शिष्टाचार और नैतिकता को भी नहीं निर्वाह करने वालों को देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है, भगवान देख रहा है। एक वो दौर भी सियासत में आया था जब मुलायम परिवार कल्याण सिंह के करीब आए थे। कल्याण सिंह के सहारे सपा ने चुनावी सियासत भी साधी थी। अब श्रद्धांजलि से दूरी बरतने को कई बहानों से ढका जा रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय कल्याण सिंह जी को हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया था और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तब समाजवादी पार्टी ने उनका साथ दिया था और उनका सम्मान समाज में वापस दिलवाया था। आज हमारे बीच में नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी उनका मार्केटिंग इवेंट कर रही है। मृत्यु पर किसी की राजनीति कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है निर्लज्जता करते हुए? आप कल्याण सिंह जी की मौत को भी बेचना चाहते हैं? किस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं साक्षी जैसे लोग, और भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को पॉलिटिक्स या राजनीति करा कैसे रही है, ये समझ के बाहर है। इंसानियत और नैतिक मूल्य राजनीति और चुनाव नफा नुकसान से पहले है। जब मुलायम सिंह के बीमार होने की खबर आई थी तो याद कीजिए उनसे मिलने पहुंचे सीएम योगी की तस्वीरें भी आई थी। अखिलेश ने न जाकर जो संदेश दिया है वो सियासी तो है ही, इसीलिए सियासी सवालों के चक्रव्यूह में भी है। टीम न्यूज स्टेट। और सबसे बड़ा मुद्दा में सबसे बड़ा सवाल, वोट बैंक के चक्कर में मर्यादा भूले अखिलेश। श्रद्धांजलि से दूरी बरतने में उन्हें अपना कल्याण, अपनी पार्टी का कल्याण दिखा। लखनऊ में तहसीब भूले अखिलेश यादव। चुनावी राजनीति की खातिर नैतिकता से आखिर दूरी क्यों? ओबीसी वोट से प्रेम, मगर नेता को श्रद्धांजलि देने से परहेज क्यों? और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं चर्चा के लिए, केसी पांडे जी, पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी, ओंकार सिंह, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस प्रशांत वशिष्ठ जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप चारों मेहमानों का चर्चा में स्वागत है। केसी पांडे जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि समाजवादी पार्टी पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं, ठीक राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इंसानियत मूल्य अपनी जगह है, नैतिकता अपनी जगह है। सीएम खुद पहुंचते हैं मुलायम सिंह यादव की तबीयत खराब होने के बाद उनसे मिलने के लिए, एक बार नहीं दो बार, और वही कल्याण सिंह जिन पर आज सवाल उठाया जा रहा है बीजेपी को लेकर कि आप उनके निधन को राजनीतिक रूप दे रहे हैं। वही कल्याण सिंह कभी मुलायम के करीबी थे, लाल टोपी उन्होंने अपने सिर पर सजाया था, कुछ तो इज्जत रखते।
सफाई कुनबा कोई तो पहुंचता, आखिर ऐसा क्यों नहीं? नहीं, इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी खुद राजनीति कर रही है। कल्याण सिंह जी के मृत्यु को भी भारतीय जनता पार्टी भुनाना चाहती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके समाचार पत्रों में मीडिया के माध्यम से आदरणीय कल्याण सिंह जी के मृत्यु पर दुख व्यक्त किया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया। और श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही एक बात और आपको बताना चाहता हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी ने कल्याण सिंह जी को ठुकरा दिया था, तब समाजवादी पार्टी ने सम्मान दिया था कल्याण सिंह जी को। वो उनके घर की बात थी, उनके घर की बात थी। भूलते हैं ना, नैतिकता भूलते हैं। केसी पांडे जी, वो उनके घर की बात थी, ठुकरा दे या वापस बुला ले। सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है तो सीएम योगी भी एक ट्वीट कर देते मुलायम की तबीयत को लेकर। ये नैतिकता है? राजनीति में नफा नुकसान अपनी जगह है, क्या ये इंसानियत है? हम इंसान पहले, राजनीति बाद में है। कम से कम आवाज पर तो गए होते। इतना कह रहे हैं कि विधान भवन में नहीं पहुंचे, पार्टी कार्यालय में नहीं जा सकते। हम समझ सकते हैं, एक लकीर है जनता पार्टी। मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी लाशों की राजनीति करने के लिए ही बनी है। अटल बिहारी वाजपेयी के मृत्यु को भी भुनाया गया। अब कल्याण सिंह जी चूंकि चुनाव करीब है उत्तर प्रदेश में, गलत बातें ना कीजिए। कल्याण सिंह जी की मौत को भी भुना, गलत बातें ना कीजिए। प्रशांत वशिष्ठ जी, हमारे नेता ने शोक संवेदना व्यक्त किया, व्यक्त करिए, अंजलि दी, व्यक्त करिए। एक ट्विटर मिल गया है, ट्वीट कर दीजिए, काम खत्म। नैतिकता तो ट्विटर तक ही रह गई है, बस चिड़िया उड़ाते रहिए। नैतिकता तो चिड़िया उड़ाने को लेकर है, नैतिकता के मूल्यों का। प्रशांत वशिष्ठ जी, हमारे प्रशांत वशिष्ठ जी, अब हो गया। केसी जी, केसी पांडे जी, शांत रहिए, ठीक है, हो गया आपका, शांत रहिए आप। देखिए, जहां तक कल मैं बाबूजी के अंत्येष्टि संस्कार में रहा नवरा में, वहां कोई ऐसा नेता नहीं था जो राष्ट्रीय हो या उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ। सभी लोग वहां पहुंचे और लाखों की भीड़ थी। मतलब उस भीड़ ने भी दर्शाया कि लोगों का कितना प्रेम, समर्पण और स्नेह बाबूजी से था। और श्रद्धेय कल्याण सिंह जी पूरे देश के पिछड़ों के, शोषितों के, वंचितों के बड़े नेता रहे, उनके लिए सदैव लड़ाई लड़ते रहे। क्योंकि अखिलेश यादव जी भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, अखिलेश यादव जी को तो विशेषकर वहां पहुंचना चाहिए था। और ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, मानवता का विषय है, ये नैतिकता का विषय है। ये दुर्भाग्य है कि अखिलेश जी मानवता और नैतिकता का ना समझते नहीं है, जानते नहीं है। जहां तक प्रश्न है, देखिए योगी जी का आपने विषय रखा, मुलायम सिंह यादव जी बीमार हुए तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी स्वयं उनके पास एक नहीं दो बार जाते रहे, एक नहीं दो बार जाते रहे, उनको देखने जाते रहे। वही मैं कह रहा हूँ, तो ये कोई इस प्रकार का विषय नहीं है। और इस प्रकार का बयान ये देना कि लाशों की राजनीति करते, भाई मानवता आप भी थोड़ा दिखाइए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो मुलायम सिंह यादव जी से ही उनको जो सीख रहे हैं, देखिए मुलायम सिंह यादव जी ने निहत्ते राम सेवकों के ऊपर गोली चलवा दी। इसलिए चलवाई, केवल इसलिए चलवाई कि जिससे सत्ता में बने रहे, कुर्सी बनी रहे। वहीं माननीय कल्याण सिंह जी ने गोली नहीं चलने दी और कुर्सी त्याग दी। दोनों में बहुत बड़ा संविधान की रक्षा के लिए चलवाई, संविधान का शपथ लिए थे मुलायम सिंह यादव जी, निहत्ते राम सेवकों पर गोली चलवाई और पिछड़े केसी पांडे जी, हम इंसान है तभी संविधान है, पिछड़ों संविधान है इसलिए इंसान है, ये नहीं है। कल्याण सिंह वो इंसानियत दिखा देते, केसी पांडे जी वो इंसानियत दिखा देते आप लोग, उसका कुछ तो सीखते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीख लेते आप लोग। ओंकार सिंह जी इसलिए दूरी कांग्रेस ने भी बनाई, संविधान की रक्षा किया, क्योंकि हम मुस्लिम वोट बैंक को लेकर चेहरा क्या दिखाएंगे? वो जो अकलियत का वोट है वो हमें कैसे मिलेगा अगर कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता चला जाता श्रद्धांजलि देने के लिए? मित्र, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी को कोई बोल रहा हो। आपको तकलीफ है? तकलीफ इस बात को लेकर है ओंकार सिंह जी, तकलीफ इस बात को लेकर है। आप नेता हैं लेकिन इंसानियत नहीं है, तकलीफ इस बात को लेकर है। जिस संविधान की बात की जा रही है, संविधान से पहले इंसान है, इंसानों के लिए संविधान बना हुआ है, उस हिसाब से चीजें ठीक है। कैसी इंसानियत? कैसी इंसानियत?
कैसी पूर्व मुख्यमंत्री कैसी इंसानियत, पूर्व मुख्यमंत्री बताइए कैसी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी, सरकार उन्होंने दो बार चलाई, मुख्यमंत्री की गरिमा एक पद लिहाज तो कर लेते जी, इंसान का ना करते, पद का तो कर लिया होता। अब मेरी बात सुन लीजिए, हमारे जैसे ही इनकी मृत्यु की सूचना मिली, हमारे यहां से सबसे पहले रिएक्शन गया और अखबारों में मुख्यमंत्री का जहां शोक संदेश छपा है वहीं हमारे अध्यक्ष का भी छपा। हमारे अध्यक्ष यहां पर थे नहीं, वो गांव में थे, देवरिया में थे, और उन्होंने अध्यक्ष के बाद जो सबसे बड़ा पद होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो कोषाध्यक्ष का होता है, और कोषाध्यक्ष सतीश आजमानी जी और पूर्व एमपी राजे राकेश सचान जी, ये दोनों लोग गए थे वहां पे, और वहां पे उन्होंने हमारे अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व किया था, और बाकायदे जाके उन्होंने वहां पर रीत चढ़ाई थी और अपनी शुभ संवेदनाएं की थी। हमारे पूरे डिपार्टमेंट ने, हमारे चेयरमैन मीडिया नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने, मेरा स्टेटमेंट गया, और उसके बाद अशोक सिंह कोऑर्डिनेटर प्रिंट मीडिया है उनका स्टेटमेंट गया, हम सब लोगों ने, AICC सेक्रेटरी का स्टेटमेंट गया, सब लोगों ने दुख व्यक्त किया। और जहां तक आप समझते हैं कि सबको जाना चाहिए, तो देखिए मित्र ऐसा होता है, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन जहां संबंध होते हैं, संबंध होता है उससे जाते हैं, जिसका संबंध नहीं होता उससे नहीं जाते, क्योंकि वहां किसे जाके मिले, सबसे बड़ी चीज तो ये होती है, पर्चे दे के वो मिलना, इससे बेहतर है कि अपना छोटा चेहरा भी है। आपने प्रमोद तिवारी जी ने राजवीर जी से टेलीफोन से बात की, वो इलाहाबाद में थे, इलाहाबाद में भी थे, चेहरा की बात जिनका संबंध होता है, कुछ होती है। आप तो भाई बड़े आदमी है ना, प्रमोद तिवारी की तो आपकी निगाह में कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन पर्चे देकर मिलना हम लोग की हैसियत में है। उस तस्वीरों को सबने देखा कि कौन कौन बड़ा बड़ा नेता पहुंचा है, किसी भी पार्टी का हो, ओंकार जी बीएसपी सुप्रीमो तक पहुंच जाती हैं, लेकिन ओंकार जी कह रहे हैं कि पर्चे देकर इन्हें केवल अपना वक्तव्य जारी कर निधन पर शोक जाहिर करना ही सही लगा। प्रशांत वशिष्ठ जी, अगर इनसे सवाल कीजिए तो ये कहते हैं कि आप तो बीजेपी की भाषा बोलते हैं, सही सवाल करने पर भी, सही बातों पर भी बातें बोलेंगे, आप बोलते रहिए तो काम है, बोलेंगे तभी विपक्ष में बैठे रहेंगे, विपक्ष में है और विपक्ष मुबारक रहे। आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? नवासी से नहीं है, बहुत छोटे हैं, इतना गुस्सा नहीं, गुस्सा वाली बात नहीं है, जो मीडिया को टारगेट करते हैं। ओंकार सिंह जी एक होता है, लेकिन आप दो चार झापड़ लगा लीजिए मुझको, नहीं नहीं टारगेट जो करते हैं सर, आपको मीडिया वालों को टारगेट करना अच्छा लगता है, टारगेट नहीं, आप कीजिए टारगेट, आप टारगेट कर रहे हैं तभी भी विपक्ष में है, मुद्दों की बात करते हैं तब नहीं। प्रशांत वशिष्ठ जी बोलिए, हम आपके पास आ जाते हैं, आप दो झापड़ लगा लीजिए, आप लोगों को जहाँ जाना चाहिए था वहाँ गए नहीं, झापड़ लगा लीजिए, आप लोग को जहाँ जाना चाहिए था वहाँ तो गए नहीं, ऐसे मत बात, आप लोगों को जहाँ जाना चाहिए था वहाँ तो गए नहीं, आपको कैसे मालूम मेरे मित्र, आपको जहाँ जाना चाहिए था वहाँ तो गए नहीं, आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, यहाँ नहीं। प्रशांत वशिष्ठ जी, अरे हम गए नहीं गए उसमें आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, हम गए या नहीं गए उसमें आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? ओंकार जी, आप हमारा जो संबंध उनसे है उसको आपको नहीं मालूम है? हमारा उनसे अपने समय पर बोलिएगा, अभी संबंध था, मैं वहाँ मौजूद था। देखिए ओंकार जी, ओंकार जी कह रहे हैं अभी कि मैं जाकर वहाँ पर्चे दे, उससे मेरे लिए आप जल्दी बोलिए, राजवीर हूँ, अरे नहीं बोलने नहीं दे रहे ना, बोल रहे आप बोलिए। हाँ ओंकार जी, देखिए मेरे को बोलने दीजिए, ओंकार जी कह रहे कि मैं पर्चे जाकर तो ये संभव नहीं था, अच्छा नहीं लगता, पर्चे होना चाहिए। प्रियंका गांधी जी को सब जानते हैं, वो कहाँ थी, वो उत्तर प्रदेश का काम देख रही है, वो उन्हें आना चाहिए था, जब बसपा सुप्रीमो आ सकती हैं, मायावती बहन जी आ सकती हैं, तो प्रियंका जी क्यों नहीं आ सकती, उनको आना चाहिए था और संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी। और दूसरा विषय देखिए, सुनिए, आपके आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बताइए, लेकिन आपके जितने वंचित शोषित और पिछड़े हैं वो सब देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं उनको, आपको तो वैसे जनता बार बार सबक सिखा रही है, 2000 आप तो निरंतर हार देख रहे हैं, इन्हीं कारणों से देख रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। आप लोगों को परिवर्तन करना पड़ेगा। उमाकांत सर, फिर क्यों गुस्सा? उमाकांत सर, हम लोग गांव से आते हैं, छोटे छोटे शहरों से आते हैं, ये भी होता है कि ठीक है, कितना भी मन मुटाव किसी में हो, किसी के घर निधन हो जाता है तो वाकई घर तक पहुंचते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन क्या अब ये स्थिति हो गई है हमारे सियासतदानों की कि ट्विटर के जरिए एक पत्र जारी कर दिया जाए,
सबसे अच्छा ये लगा कि बीएसपी सुप्रीमो भी पहुंचती हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन हमारे सपा के बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता नहीं पहुंचते। हो सकता है संबंध कितने भी खराब हो, लेकिन निधन के वक्त संबंध खराब नहीं होते, बड़प्पन दिखाया जाता है। देखिए, कल्याण सिंह जी बहुत प्रमुख नेता थे उत्तर प्रदेश के, और देश के प्रमुख नेताओं में उनकी गिनती होती थी। एक राम मंदिर आंदोलन के वो जनक थे, और मैं वो राजनीतिक नेता भी थे, राजनीतिक पार्टी में भी थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी दो बार छोड़ी, फिर पार्टी में शामिल हुए। और राजनीति में जो शिष्टाचार है, सार्वजनिक जीवन में कहूँ, न केवल राजनीति बल्कि सार्वजनिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में हम सारे लोग आते हैं जी, तो सार्वजनिक जीवन में शिष्टाचार का एक बहुत बड़ा महत्व है। और ये मैं बड़ी ये कह सकता हूँ कि जब कोई शिष्टाचार की बात करते तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप शिष्टाचार क्यों नहीं दिखाया आपने। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह की चीज़ों को थोड़ा नए परिप्रेक्ष्य में ढूंढना चाहिए, ले जाना चाहिए कि शिष्टाचार अगर किसी ने नहीं निभाया तो हम उसको ये कह सकते हैं, याद दिला सकते हैं कि भाई आप अच्छा होता अगर आप भी आते तो एक संवेदना आपकी तरफ से प्रकट हो जाती। लेकिन इस रूप में चीज़ों को मुझे लग रहा है कि आने वाले जो नेता हैं, जो नई पीढ़ी है, उनको एक किस्म से संदेश जाता कि देखिए अलग अलग विचारों के लोग थे कल्याण सिंह जी और मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी या कांग्रेस के लोग, तो अच्छा होता है कि वो शिष्टाचार के नाते, एक किसी की मृत्यु से बड़ा तो कुछ नहीं होता, क्योंकि मृत्यु तो आखिरी होती है, आखिरी सत्य है जीवन का, तो ये अलग चीज़ है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर इस तरह के मृत्यु पर शिष्टाचार के बारे में हम किसी को जबरन नहीं बोल सकते कि आपने क्यों नहीं श्रद्धांजलि दी, और आपने श्रद्धांजलि नहीं दी तो हम आपको देख लेंगे, तो इस तरह का मैं ये मानता हूँ कि ये उन पर छोड़ दिया जाना चाहिए, और ये जनता को तय करना चाहिए कि वो जनता इसका मूल्यांकन किस ढंग से करती है। और कल्याण सिंह जी बहुत, जैसे कि मैंने कहा है, प्रतिष्ठित नेता थे जी। उमाकांत जी, नेताओं का आचरण ही जनता के लिए एक संदेश होता है जी। नहीं, वो तो मैंने बोल दिया ना कि देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अच्छी बात होती, अच्छा होता कि मुलायम सिंह जी को, और हमने, मैंने चूंकि कवर किया है उनको, मुलायम सिंह जी की पार्टी को, तो अच्छा होता कि जाते। लेकिन अगर सपोज करो कि वो नहीं गए, उसके राजनीतिक कारण हो सकते हैं, चुनाव सर पर हैं, और जिस तरह की उत्तर प्रदेश की राजनीति है, उस राजनीति के लिहाज से उन्होंने अपनी पार्टी की, लेकिन हो सकता नहीं है। कहते हैं सियासत में ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। केसी पांडे जी, हो सकता है कि विचारधारा अलग अलग रही बीजेपी की, समाजवादी पार्टी की, इंसानियत तो एक हो सकती है। क्या वोट बैंक की राजनीति को लेकर, अक्लियत वोट को लेकर इसलिए दूरी बनाई गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जब मेदांता में जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहे थे, तो कल्याण सिंह जी राजस्थान के राज्यपाल थे, उनको भी नैतिकता का पालन करके माननीय मुलायम सिंह यादव जी को देखने जाना चाहिए था मेदांता में। उल्टा सवाल, इंसानियत और नैतिकता का सवाल उल्टा आ गया। अब नैतिकता और इंसानियत सवाल उठा जा रहा है। अस्पताल में भर्ती होना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विनम्रता पूर्वक श्रद्धांजलि दी कल्याण सिंह जी को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह जी को शिष्टाचार दिखाया, उसका क्या? केसी पांडे जी, पूरा सम्मान व्यक्ति हमारे पार्टी ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो शिष्टाचार दिखाया मुलायम सिंह यादव से मुलाकात मौके पर जाकर के, मुलाकात करके, उसका क्या? समाजवादी पार्टी को शामिल हुए, उसका क्या? ये बताइए उसका क्या? नहीं, हम कहते हैं जब इंसान नैतिकता में है कि माननीय मुलायम सिंह जी जब जीवन और मृत्यु से संघर्ष मेदांता में कर रहे थे, जी इनसे सवाल करो तो ये उल्टे ही सवाल करने लगते हैं। उनको भी नैतिकता, ये कहते हैं कि ये पिछड़ों की राजनीति करते हैं, पिछड़े ही वर्ग से आए थे, कहीं से कुछ को समझ लेते हैं। तथ्य रख रहे हैं आपके सामने, शिष्टाचार का विषय है, नैतिकता का विषय, बात तो दोनों पक्षों की होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। हालांकि राहुल गांधी जी और या अखिलेश यादव जी, दोनों को ये समझना चाहिए, देखिए कि एक
दल के बड़े नेता है और लोगों में इनके काम से संदेश जाता है, तो ये गलत संदेश है। देखिए प्रशांत, हालांकि इसको समझना पड़ेगा। समझिए आप, देखिए राहुल गांधी जी ने 2013 में बैकस्टेज एक किताब लिखी है मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी ने। पांडे जी चुप रहिए, पांडे जी चुप रहिए, चुप रहिए, बोल दीजिए मुझे। वोट की राजनीति में तब्दील करना चाहते हैं मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी ने। नहीं, आप बताइए, शिष्टाचार की उम्मीद कर रहे हैं आप, वो हमको समझना पड़ेगा। हम शिष्टाचार की उम्मीद कर रहे हैं राहुल गांधी से, जिन्होंने उन्होंने 2013 में फाड़ दिया और कहा ये बकवास है। 2013 में अध्यादेश फाड़ कर कहा था आप लोगों ने, तो वही किया 2022 के चुनाव में। बताओ सर, नहीं गए आप लोगों को, लगा कि संदेश लग जाता हमारे वोटर्स को, यही कांग्रेस को लग रहा था, यही समाजवादी पार्टी को लग रहा था, इसलिए नहीं गए, इसलिए इंसानियत नहीं दिखाया, शिष्टाचार नहीं दिखाया। आप चारों में हमारे बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। सवाल इस बात को लेकर है कि नफे नुकसान की बात सियासत में तो होती है, लेकिन यह भी कहा जाता है न कोई दोस्त होता है न कोई दुश्मन होता है, लेकिन इन सबसे परे अगर किसी बड़े नेता का निधन होता है तो शिष्टाचार की उम्मीद की जाती है, नैतिकता की उम्मीद की जाती है। क्यों? क्योंकि यही बड़े नेता जब कुछ करते हैं तो उसका एक संदेश लोगों के बीच जाता है, जनता के बीच जाता है और वोटर्स के बीच जाता है। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बड़े नेता नहीं पहुंचकर ये संदेश देते, साफ तौर पर नजर आते हैं कि हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारा उनसे 36 का आंकड़ा है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलायम सिंह से मिले एक नहीं दो बार और उन्होंने ये बताया कि इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं है, ये भी इन पार्टियों को समझना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही, रुकते हैं कुछ पलों के लिए।